नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टॉप भारत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप देख सकते हैं लाल गुलाल आलू की प्लांटर चल रहा है लाल गुलाल आलू के खेत में, और इसमें शायद यही खेत ज़्यादा सूख गया था पानी के बाद में, तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसे निकल रहा है। बड़े बड़े मिट्टी के जो मिट्टी का इकट्ठे डेले टाइप के हैं वो बड़े बड़े निकल रहे हैं, और इसका कारण यही है कि इसमें ज़्यादा जो है देख सकते हैं आप। वैसे ये जब चलता है ना जो खेत अच्छा होता है सूखा होता है ज़्यादा, तो इसमें शायद है कि पानी इन लोगों ने बाद में लगा दिया होगा, इसी वजह से इसमें मिट्टी के ढेले निकल रहे हैं बड़े बड़े, और वैसे ढेले नहीं निकलते हैं वैसे ऐसे ही। और देख सकते हैं आप लोग ये लाल आलू का जो है वो उसमें प्लांटर चल रहा है, लाल गुलाल आलू है तो साइज काफ़ी छोटा है, लाल गुलाल आलू का काफ़ी साइज छोटा इसमें देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं साइज काफ़ी छोटा है लाल गुलाल का, तो ये इसमें थोड़ा शायद है कि ये कच्ची फसल का आलू था इस साइड में, और ये कुछ आलू छोड़ दिया गया था जो कि पक्की फसल के लिए रखा गया था, तो इसके वजह से अब इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह से लोगों ने वो भी जुटवा दिया है। देख सकते हैं आप दोस्तों धूल काफ़ी तेज उड़ती रहती है इस पर, क्योंकि खेत सूख जाता है तो धूल तो हो ही जाती है। दोस्तों आलू काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, आप लोग भी देख सकते होंगे। तो पूरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बात की जाए तो ज़्यादातर आलू की जो खुदाई है वो जारी है, पक्की फसल आलू की खुदाई जो है वो जारी है, और धूल की वजह से आपको तस्वीरें साफ नहीं नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर आलू की बात करें तो आलू काफ़ी छोटा है, आप लोग देख सकते हैं आलू लाल गुलाल का यहाँ पर छोटा है। और भी यहाँ के प्लांटर अभी दूसरे खेत में चलेगा तो उसका भी वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं आप आलू दोस्तों काफी छोटा है। और इस मशीन वाले को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है, बिल्कुल थोड़ी देर के भी लिए आराम में नहीं बैठता है, मेरे ख्याल से पूरे दिन ये चलाते ही रहते हैं इसी सारे मशीन वाले। इतनी तेजी से काम चल रहा है, इतनी तेजी से ये लोग बिजी हैं कि इन लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि कितना टाइम इन लोगों को फुर्सत मिले। इसमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेले इस वजह से बन रहे हैं, बड़े बड़े मिट्टी के बन रहे हैं क्योंकि ये खेत थोड़ा सूख गया था, इसी वजह से मिट्टी के ढेले बन रहे हैं। इसमें आलू के साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है, लालू आलू का मैंने साइज़ देखा काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन आज इस खेत में आलू का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है और इतना ज़्यादा चमक भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर घास खड़ी है, घास की वजह से इस जगह पे ज्यादा आलू बढ़ ही नहीं पाया। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी वजन हो जाता है दोस्तों इसमें पीछे, ये पावर ट्रक है, पावर ट्रक 439 DS पावर ट्रक में ही चल रहा है। पावर ट्रक में ये मशीन अच्छी काम करती है क्योंकि ज़्यादातर इस इलाके में यही काम कर रही है, मशीन जो है यही काम कर रही है।